इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों दो T20 मैच खेले जा चुके हैं, दोनों ही T20 मैच इंडिया ने अपने नाम पे कर लिया। मैंने पहले ही बोला था दोनों T20 मैच में ये जो मैच होंगे ना इंडिया अपने नाम पे करेगा। अब बारी है तीसरे T20 मैच की, तो इंडिया तो चाहेगा कैसे भी करके इस मैच को जीता जाए, अंग्रेज को अंग्रेजों के घर में क्लीन स्वीप किया जाए। लेकिन अंग्रेज सोचेगा यार कैसे भी करके ना इस मैच को जीत लेते हैं, अगर नहीं जीतेंगे ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए दोनों टीमों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आपको पता है ना जो 22 गज की पट्टी होती है, जो मैदान होता है, वो कहता है भाई साहब आओ, जो मैच है ना इसी मैदान पे खेला जाएगा। तो मैं बताऊंगा जो आज का मैच होगा वो कैसे चलेगा, कितने स्कोर बनेगा, क्या वो स्कोर चेंज होगा या डिफेंड होगा पिच के बिहेवियर के हिसाब से, या फिर दोस्तों यहाँ की कंडीशन को इंग्लैंड अच्छे से पढ़ पाएगा और मैच को करेगा अपने नाम, या फिर से इंडिया कंडीशन को पढ़ के उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा और मैच को कर लेगा अपने नाम। इसके अलावा दोस्तों ये जानेंगे दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर है जो आज के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, सबसे ज्यादा विकेट निकालेंगे, यानी हम और आप जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, अगर इन प्लेयर का पता चल जाएगा रन बनाने वाला कौन ज्यादा रन बनाएगा, कौन ज्यादा विकेट लेगा, तो आसान हो जाएगा ना विनिंग टीम बनाने में। तो टेंशन मत लो, पूरी वीडियो देख लो कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन से प्लेयर फैंटेसी क्रिकेट के लिए बढ़िया होंगे, मैं आपको ड्रीम 11 की टीम बना के दूंगा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, आप सभी का वेलकम है। सभी लोग करते हैं मिलकर वीडियो को लाइक, जब आप लाइक करते हैं यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है जान। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया ना बहुत ही फायदे में, आप सोचेंगे अच्छा भाई ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पे, तो भाई साहब मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, दो चार मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा ना आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी कौन सा देर हो गई, अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत ज्यादा फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, और आपको पता जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी वहीं से ज्वाइन करें। तो चलो आप सारी चीजों को यहाँ पे जानते, जो आज का मैच होगा ये कैसे चलेगा, मैच की कहानी क्या होगी, लेकिन यहाँ से ना आप पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है। तो भाई लोग तीसरा T20 मैच ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में खेला जाएगा। अगर हम यहाँ के मैदान पे इससे पहले T20 इंटरनेशनल की बात करें तो 12 मैच खेले गए, जिसमें से 7 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 5 मैच में टारगेट चेंज हुआ, यानी बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा मैचों में क्या हुआ है टारगेट डिफेंड हुआ। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 171, 171 रन, टारगेट चेंज की बात करें 167, 167 से नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 183, 183 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 167 से 183 के बीच में टारगेट होगा, आप समझ जाना ये जो मामला है ना बराबरी का है, चेंज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों आपको पता है ना जो चीजें मैं आपको बताता हूँ कोई और नहीं बता पाएगा, इस मैदान का जो हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो है 232 रन, जो कि टीम पाकिस्तान के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 110 ऑल आउट, जो कि टीम न्यूजीलैंड के नाम पर है। अगर हम यहाँ के मैदान पर हाईएस्ट स्कोर चेज की बात करें 172, 172 रन जिसे इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के सामने 2012 में किया था। लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 130, 130 रन जिसे साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया के सामने 2009 में किया था। तो आप देख सकते हैं इस मैदान पे जो लोवेस्ट टोटल है वो डिफेंड हुआ है और हाईएस्ट टोटल चेज भी हुए, तो यहाँ के मैदान पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 150 के नीचे फर्स्ट इनिंग में 5 बार स्कोर बना, 150 से 169 के बीच में फर्स्ट इनिंग में 2 बार स्कोर बना, 170 से 189 के बीच में फर्स्ट इनिंग में 2 टाइम स्कोर बना, 190 या इससे ज्यादा फर्स्ट इनिंग में 3 टाइम्स स्कोर बना। स्कोरिंग पैटर्न देखने के बाद क्या लग रहा है, यही लग रहा है यहाँ पे जो मैच होते हैं ना ज्यादातर जो मैच होते हैं वो मीडियम स्कोरिंग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना वो ग्रॉस है, मतलब बैटिंग के लिए तो जबरदस्त है। जब बॉल नया होता तो बैट भी बड़े अच्छे ज्यादा जो बाउंस होता है ना उसको बैट्समैन टच करके अपने शॉट सिलेक्शन कर सकता है, चौके छक्के लगा सकता है। दोस्तों यहाँ की जो बाउंड्री लेंथ है ना वो भी ज्यादा बड़ी नहीं, 60 से 72, 60 से 72 मीटर की बाउंड्री लेंथ है, मतलब छोटी है, तो चौके छक्के यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इस पिच की खासियत यह है, जब शुरू में बैटिंग करने कोई बल्लेबाज आता है तो पिच बैटिंग के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वहां पे तब जब पिच होता है ना हार्ड होता है ग्रॉस होने के साथ, तो जो बॉल होता है ना बैट पे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, जैसे जैसे शाम होती है, पिच पे थोड़ी सी नमी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, न्यू बॉल से जो तेज गेंदबाज होते हैं ना बॉल को इधर उधर हरकत करवाते हैं, मतलब सीम के साथ जो बॉल होता है ना वो स्विंग करता है। तो मतलब पहली इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान है, दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम आज के मैच की पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 50 से 55 के बीच में देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 175 से 190 के बीच में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड ने 3 मैच खेला, बस 1 जीता 2 हार गई, मतलब इंग्लैंड यहाँ के मैदान पर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं
कर पाता। टीम इंडिया की बात करें, इंडिया ने 3 मैच खेला, 2 जीता 1 हारा, मतलब इंडिया यहाँ के मैदान पे बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। इंग्लैंड वर्सेज इंडिया की बात करें, यहाँ के मैदान पे ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगे, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों में ऐसी कौन सी टीमें एक दूसरे के सामने यहाँ की कंडीशन को अच्छे से पढ़ के इस मैदान पे जो मैच होगा अपने नाम पे करेगा। चलो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लैंड की। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो एक चेंज हो सकता है, हैरी ब्रुक की जगह पर फिलिप सोल्ड को मौका मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें, दोनों मैचों में देखा जाए मोइन अली को छोड़कर सारे बल्लेबाज फ्लॉप, चाहे जोस द बोस जोस बटलर की बात करो, जैसन रॉय, लियाम लिविंगस्टन, डेविड मलान, सभी के सभी फ्लॉप। इनकी जो बल्लेबाजी है ना, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वहीं अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें, पहले मैच में जो इनकी गेंदबाजी थी इंग्लैंड की, मैं बहका कुछ ऐसी थी, लेकिन दूसरे मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, खास करके रिचर्ड ग्लेसन और क्रिस जॉर्डन, ये दोनों इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, जहां एक टाइम पे इंडिया लग रहा था फिर 200 के आसपास का स्कोर करेगा लेकिन 170 ही बना पाता है। तो इनकी गेंदबाजी थोड़ा सुधार आया दूसरे T20 मैच में। वहीं दूसरी टीम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के खेमे में ना दो चेंज हो सकते हैं, मतलब दो चेंज इसलिए करेंगे, जो श्रेयस अय्यर बेंच पे बैठे इनको मौका मिल सकता है सूर्य कुमार यादव की जगह पे, और अर्शदीप सिंह को फिर से मौका मिल सकता है हर्षल पटेल की जगह पे, क्योंकि टीम इंडिया जो सीरीज है उसे अपने नाम पे कर चुकी है, तो सोच रहे हैं जो प्लेयर बैठे हैं थोड़ा सा इनका टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि जो इनकी बल्लेबाजी चल रही, पहले मैच में जो बल्लेबाजी थी ठीक ठाक थी, दूसरे मैच की बात करें ऋषभ पंत, रोहित शर्मा ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, लेकिन विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्या सारे फ्लॉप हो गए। हालांकि रविंद्र जडेजा ने कुछ हद तक बढ़िया बल्लेबाजी करी, तो मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ठीक ठाक है इंडिया की जो बल्लेबाजी। वहीं अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें, भाई साहब भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में जो इनकी गेंदबाजी चल रही है ना, बहुत जबरदस्त चल रही है। भुवनेश्वर कुमार सभी मैचों में आते हैं विकेट निकालते हैं, और इस मैच में तो इनका साथ देने के लिए इनका जो मतलब बहुत पुराना साथी जसप्रीत बुमराह भी थे, तो जसप्रीत बुमराह कहां पीछे रहने वाले, यूजी चहल, आपको पता है T20 में इनको ग्रांड मास्टर कहते हैं, ग्रांड मास्टर जब भी आते हैं विकेट निकालते हैं, हार्दिक पांड्या इनका अच्छे से साथ देते हैं। तो जो इनकी इंडिया की गेंदबाजी है ना भाई सब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है, पुराने गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है। हालांकि पुराने गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं लेकिन ये गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इंडिया की टीम अगर हम यहाँ पे देखें तो जो गेंदबाजी है ना उसमें कहीं ना कहीं मात देती नजर आ रही है टीम इंग्लैंड को। तो अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो जो टीम इंडिया है ना वो थोड़ा सा मजबूत नजर आ रही है, इसलिए मुझे लगता है जो आज का मैच है ना इस मैच में भी इंडिया के जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहे हैं। बाकी जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी ना वो प्रेडिक्शन वाली वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें देख लेना, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी इस मैच की मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब हम यहां पे जिक्र करते हैं किसका, फैंटेसी क्रिकेट का। अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन का इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मैदान पे इन्होंने 1 मैच खेला, उस मैच में 103 रन बनाए थे। मतलब लियाम को ये जो मैच है नॉटिंघम का बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुझे लगता है आज के मैच में 60-70 की पारी लियाम खेलने वाले, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। उसके बाद दोस्तों मोइन अली को देख सकते हैं, मोइन अली की बात करें 10 मैच 268 रन, अभी तक जो मैच हो रहे हैं ना मोइन अली अकेले इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे हैं, और इंडिया के सामने 329 रन बना चुके हैं। मुझे लगता है आज की मैच में 30-35 रन मोइन अली मारने वाले हैं, और इसके साथ विकेट भी निकाल सकते, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखें। जैसन रॉय 9 मैच 163 रन, हालांकि पिछले दोनों मैच में फ्लॉप हो गए, लेकिन जैसन रॉय ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, मुझे लगता है आज के मैच में 40-45 रन जैसन रॉय मार सकते, इनको भी अपनी टीम में जरूर रखें। ईशान किशन अगर प्लेइंग 11 में होते तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें, 8 मैच 243 रन, वैसे मुश्किल है प्लेइंग 11 में हो, अगर होते हैं तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें, अगर खेलेंगे तो 30-35 रन बड़े आराम से मारेंगे ईशान किशन। हार्दिक पांड्या 9 मैच 217 रन, हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छी फॉर्म में, जबरदस्त बल्लेबाजी करें, इसके साथ साथ आपको पता गेंदबाजी भी करते थे, दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स देंगे, तो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में जरूर रखें। विराट कोहली 578 रन बना चुके हैं T20 में इंग्लैंड के सामने, पिछले मैच में बल्ला नहीं चला, तो और कोहली को पता है अगर अब यहां से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो इंडिया टीम से भी बाहर हो सकते हैं, तो कोहली आज के मैच में 50-60 रन की पारी खेलने वाले हैं, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। उसके बाद जोस बटलर 377 रन बना चुके इंडिया के सामने, जोस बटलर भी दोनों मैच में फ्लॉप हो गए, जोस द बोस को पता है अगर ऐसे खेलते रहे तो काम नहीं चला, तो इस मैच में जोस द बोस फॉर्म में आ सकते हैं, 40-45 रन मार सकते हैं, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखें। रोहित शर्मा 372 रन बना चुके हैं इंग्लैंड के सामने, इसके अलावा जो नॉटिंघम का मैदान है, जो तीसरा T20 मैच खेला जाएगा ना इसी मैदान पे खेला जाएगा, और रोहित शर्मा इस मैदान पर 3 T20 मैच में 117 बनाए, मतलब रोहित शर्मा को नॉटिंघम का जो मैदान है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मतलब शर्मा का बल्ला चल सकता है, 60-70 की पारी आ सकती है, तो इनको अपनी टीम में आप जरूर रखें। वहीं गेंदबाजों की बात करते रिचर्ड ग्लेसन 1 मैच 3 विकेट, पहला मैच खेला 3 विकेट निकाले, रिचर्ड ग्लेसन इस पिच पे भी बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, 1-2 विकेट निकाल सकते हैं, तो इनको भी अपनी टीम में आप देख सकते हैं। क्रिस जॉर्डन 9 मैच 9 विकेट, और इसके अलावा दोस्तों इंडिया के सामने 16 विकेट चटका चुके हैं क्रिस जॉर्डन, तो क्रिस जॉर्डन इंडिया के सामने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है आज की
मैच में दो तीन विकेट निकालने वाले थे, इनको अपनी टीम में जरूर रखे। भुवनेश्वर कुमार 9 मैच 12 विकेट। भुवनेश्वर कुमार इंडिया के लिए सभी मैचों में आते हैं, पावर प्ले में विकेट निकालते हैं। मुझे लगता है आज के मैच में 2-3 विकेट भुवी निकालने वाले थे, इनको भी अपनी टीम में जरूर देखे। उसके बाद युजवेंद्र चहल 8 मैच 11 विकेट। इसके अलावा इंग्लैंड के सामने 16 विकेट चटका चुके जो चहल है ना, इनको इंग्लैंड की टीम बहुत ही ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है ये आज के भी मैच में 2-3 विकेट निकालने वाले, तो चहल को अपनी टीम में जरूर रखें। हार्दिक पांड्या 14 विकेट चटका चुके इंग्लैंड के सामने। अभी मैंने बताया था ना, ये बल्ले और गेंद से दोनों जगह से आपको पॉइंट्स देंगे, तो ये आपकी टीम में होने ही चाहिए। हो सकता है तो कप्तान वाइस कप्तान भी हार्दिक पांड्या को बना सकते हैं। जसप्रीत बुमराह 7 विकेट चटका चुके इंग्लैंड के सामने और आज के मैच में मुझे लगता है बुमराह 2-3 विकेट लेने वाले, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखें। तो भाई लोग, ये कुछ प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंस आज के मैच में ना जबरदस्त हो सकती है, तो अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाते टाइम इन प्लेयर को ध्यान ज्यादा दें। बाकी अगर आप मेरी टीम का इंतजार करें तो ये रही मेरी टीम। दोस्तों ये जो मैंने टीम बनाई है ना, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाई। होता क्या, वो एनालिसिस मैं वीडियो में भी कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊंगा, इसलिए सारी एनालिसिस पहले कर दी, बस आपको परफेक्ट टीम बना के दे दी। अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए मैच स्टार्ट होने के 20-25 मिनट पहले, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको इस मैच की 2-3 टीम मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर मैच स्टार्ट होने से पहले। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान। मेरे नाम पर ना बहुत ज्यादा फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए और आपको पता, जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।